वेलकम टू अभिपीडिया गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इकोलॉजी सीरीज, दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम एज वेल एज मेंस परस्पेक्टिव, राइट। कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के कंटेक्स के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो बोलेगा कि भाई इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज एक्सीडिंग द अर्थ कैपेसिटी, डिस्कस इन दिस कंटेक्स्ट, और वी कैन से इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके अंदर आप बोलेगा वो डिस्कस करो। तो जब तक आपको इकोलॉजिकल फूड कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल यूपीएससी मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, दैट इज अबाउट कैरिंग कैपेसिटी। नो, कैरिंग कैपेसिटी का जिसको मतलब ही नहीं पता वो आंसर क्या लिखेगा। सो इन दिस कंटेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोचते जानते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए बायो कैपेसिटी, देन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल डेफिसिट एज वेल एज इकोलॉजिकल रिजर्व, और उसके बाद इकोलॉजिकल ओवरशूट। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, एक एग्जांपल मैं देता हूं। लेट अस सपोज कि आपके पेरेंट्स की इनकम, ठीक है, अब आप सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हो, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कहीं भी बैठे हो, ठीक है। नाउ पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक पर्टिकुलर मनी, ठीक है, एक स्टॉक, मतलब इतना पोर्शन मनी का अवेलेबल है आपके लिए, बेटा आप जो मर्जी करो उससे, ठीक है। नाउ अब सपोज करते हैं 5 लाख है, वो बोलते हैं नाउ दिस इज अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये आपकी अवेलेबिलिटी है। इसके अंदर आपकी नीड है, लेट अस सपोज कि आपने, जैसे आप पीजी के अंदर या कहीं पे भी रहते हो, तो वो आपकी एक पर्टिकुलर नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग आप चलोगे, ठीक है। नाउ दिस नीड, लेट अस सपोज ये 3 लाख है, आपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेनी है, बहुत सारी आपकी नीड्स हैं, तो दिस इज अ नीड, राइट। नाउ दो केस हो सकते हैं, या तो आपकी ये नीड आपकी अवेलेबिलिटी से कम हो, ठीक है, या फिर बढ़ गई। लेट अस सपोज कि आपके पास और भी, आपने बोला हमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, हमें कार भी चाहिए, घेड़ी लगानी है, हमने घूमना है, ठीक है, फ्रेंड्स दूसरे के पास कार है, मेरे पास नहीं है, मुझे ठंड लग रही है, मैं कैसे इंस्टीट्यूट में जाऊं, तो ये सारी चीज़ों के आपकी डिमांड अब इंक्रीज होगी। नो व्हेन नीड बिकम मोर देन अवेलेबिलिटी, दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड डेफिसिट। अगर आपकी अवेलेबिलिटी से नीड कम है, ठीक है, नीड कम है, मतलब आप बहुत ही एथिकली पैसे को यूज कर रहे हो, अपने पेरेंट्स का आप बोल रहे हो बचा रहा हूं, मेरा ही है, एक लौता तो हूं मैं, है ना, तो ये पैसा सारा मेरा है, तो आप बोलोगे अभी बचा लूंगा तो फ्यूचर में काम आएगा। नो, इन दिस केस अवेलेबिलिटी इज मोर देन नीड, यहां पर आपका रिजर्व हो जाएगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ बना हुआ है, ये सारा मैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसी कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। नाउ अवेलेबिलिटी को मैं बोलता हूं बायो कैपेसिटी, कि भाई अर्थ हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने आप फूड खाते हो, ठीक है, अब अर्थ उस केस के अंदर, पहले चलो इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा। नाउ एक अर्थ की एग्जांपल लेते हैं, आपको फूड चाहिए खाने के लिए, हाँ, इसको आप इंडिविजुअल के लिए भी यूज कर सकते हो, एज ए इंडिविजुअल के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एज वेल एज फॉर द होल अर्थ, जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसके भी डिस्कस कंटेक्स्ट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझ आए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। नाउ फूड, और क्या, यू ऑल्सो नीड वाटर, पानी चाहिए, हम बहुत सारे, जैसे आप कितना हम वेस्ट जनरेट करते हैं, अपने पॉलीथीन ये वो सारा, है ना, हर एक बंदा घर में कूड़ा कूड़ा जाना होता है, उसके अंदर आप पता है कि कूड़े वाला आता है और कूड़ा ले जाता है, वो सारा वेस्ट, और इवन सीवेज, है ना, ये सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, वी ऑल्सो जनरेट वेस्ट एज वेल। अब मैं बोल रहा हूँ आप कार से ट्रेवल करते हैं या किस से ट्रेवल करते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं, तो लेट अस सपोज कि आप बोल रहे हैं सर हम कार से ट्रेवल करते हैं, नाउ इन दिस
वो कार CO2 रिलीज करेगी, आपके घर के अंदर चूल्हा है, दैट विल ऑल्सो रिलीज CO2 एज वेल एज अदर टॉक्सिक गैसेस, राइट। नाउ यहां पे मैं ले लेता हूं एग्जांपल कि आप CO2 रिलीज कर रहे हो। नाउ द थिंग इज कि ये सब कुछ अर्थ का एक पोर्शन ही आपसे दे रहा है फॉर इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल को मैं बात करूं तो जैसे आप फूड खा रहे हो, अब फूड वो किसी ना किसी अर्थ के पोर्शन से आ रहा है जो आपकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है, राइट। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्रॉप ग्रो कर रही है जो आपकी डिमांड को फुलफिल कर रही है। सिमिलरली अर्थ का कुछ ऐसा पोर्शन होगा जहां से वाटर आ रहा है और आपको वो डिमांड फुलफिल कर रहा है, ठीक है। नाउ जितना आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो वो अर्थ के किसी ना किसी एरिया के अंदर जाएगा और अर्थ उसको अब्सॉर्ब करेगी, वो भी आपका पोर्शन हो गया। CO2 रिलीज कर रहे हो अर्थ के किसी ना किसी पोर्शन के अंदर, कोई फॉरेस्ट ट्रीज होंगे जो उस पर्टिकुलर CO2 को अब्सॉर्ब करेंगे। नो दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज अवेलेबल फॉर यू इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसको थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है इन रियल लाइफ। लेट अस सपोज कि आप जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, अभी एक न्यूज के अंदर भी था, वो एरोप्लेन से ट्रेवल करता था, प्राइवेट जेट से अपने ट्रेवल करता था, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर CO2 ज्यादा रिलीज होगा। अब जितना CO2 रिलीज होगा उतना ही अर्थ का एरिया और उसे चाहिए। जितना आप वेस्ट, जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहिए, है ना, जितना आप वेस्ट ज्यादा जनरेट करोगे उतना ही आपका यह भी एरिया बढ़ जाएगा। जितना वाटर आप वेस्ट करोगे, जी नहाते जा रहे हैं 10-10 बाल्टियों से, है ना, अब उस केस के अंदर नो दिस विल ऑल्सो ऑक्यूपाई द मोर एरिया ऑन द अर्थ। फूड वेस्टेज, नो विद द फूड वेस्टेज नो इट मीन्स यू ऑल्सो नीड मोर एरिया। नो एज अगर पहले बोलूं प्रीवियस कंटेक्स्ट के अंदर आपको इतना एरिया चाहिए था अर्थ का, नाउ योर डिमांड इंक्रीज एंड योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑल्सो इंक्रीज। नो दिस इज द वी कैन से एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कंसेप्ट इन रियल लाइफ। तो ये और एरिया चाहिए। नाउ द थिंग इज दैट अर्थ हैज अ पर्टिकुलर बायो कैपेसिटी, अर्थ के ऊपर बायो कैपेसिटी है पर्टिकुलर, जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी, कि भाई अर्थ की एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी है। अर्थ उससे ज्यादा बोलती भाई मेरे पास है ही नहीं, कहां से दू, है ना। जब आप घर वालों से पैसे मांगते हो तो वो कहते हैं है ही नहीं, और कहां से दे दे तेरे को भाई, ठीक है। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो अर्थ भी बोलती भी है ही नहीं, खत्म है, क्या कर रहे हो, है ना। तो अर्थ ऑल्सो हैज अ पर्टिकुलर बायो कैपेसिटी। द थिंग इज कि जितनी आपकी डिमांड, जितना आपको एरिया, ये वाला एरिया एक बंदे का है, ये वाला एरिया उसको चाहिए, जितना आपका पूरी अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसका बहुत ज्यादा होगा, है ना। अगर हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को काउंट कर दें तो उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा हो, इट मींस के इनकी पूरी डिमांड, दिस इज अ नीड, हमें अर्थ का वो एरिया चाहिए, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अर्थ के पास कितना अवेलेबल है, दैट इज अ बायो कैपेसिटी, हमें कितना चाहिए, दैट इज अ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब सोचो जितना आप कम पोल्यूशन करोगे, जितना आप कम वाटर यूज करोगे, है ना, सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। जितना सस्टेनेबल यूज करोगे उतना ही आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और नीड फ्रॉम अर्थ वो डिक्रीज हो जाएगी। और सस्टेनेबल कब होगा कि जितनी आपकी डिमांड है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायो कैपेसिटी या अर्थ के पास जितनी अवेलेबिलिटी है उसके इक्वल हो जाए, दैट इज अ सस्टेनेबल यूज, ठीक है। अब जैसे मान लो आप, ठीक है, ना द थिंग इज के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जितना पॉपुलेशन का ज्यादा होगा, जितनी हम एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करेंगे, वो एक अर्थ की औकात नहीं है कि आपको फुलफिल कर दे। राइट नाउ जितना हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम फूड वेस्ट कर रहे हैं, जितना हम वाटर यूज कर रहे हैं, जितना CO2 ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं, वो सारी अर्थ की कैपेसिटी के उतनी CO2 को अब्सॉर्ब कर ले, नहीं है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग है। अगर जितनी हम CO2 या ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करते दूसरी तरफ उतनी अर्थ अब्सॉर्ब कर लेते तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग होती नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस लेवल को अचीव करना है वेयर द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बिकम इक्वल टू बायो कैपेसिटी, ठीक है जी, ओके।
अर्थ की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है राइट नाउ, हमें जितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको सस्टेन करने के लिए वी नीड 1.7 अर्थ, एक अर्थ की औकात नहीं है, 1.7 अर्थ, और 1.7 अर्थ तो आएगी नहीं, मिलेगी नहीं, है ना। इसीलिए आप देख रहे हो कि बहुत सारे जैसे मार्स पे चले गए कि लाइफ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे कहीं, और उसी को हम ढूंढ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अर्थ हमारी जितनी हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो अर्थ के बस की बात नहीं है भाई, आपको उतना प्रोवाइड कर दे, ठीक है, ओके। तो चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो बायो कैपेसिटी मैंने बता दिया, बायो कैपेसिटी इज बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया अवेलेबल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज वी यूज एंड अब्सॉर्ब, यही कंसेप्ट है कि वो पर्टिकुलर एरिया अर्थ के ऊपर अवेलेबल जो हमें ये सारे रिसोर्सेज दे रहा है दैट इज कॉल्ड बायो कैपेसिटी। टोटल पॉपुलेशन का अगर निकालेंगे टोटल अर्थ की बायो कैपेसिटी आ जाएगी, पर ये अर्थ की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमें वो प्रोवाइड कर दे, राइट। नाउ तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट क्या है, लैंड एंड वाटर एरिया नीडेड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज वी यूज एंड अब्सॉर्ब द वेस्ट वी जनरेट, यही लैंड एंड वाटर एरिया नीडेड टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज वी नीडेड। एग्जाम के अंदर याद रखना, जहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फुटप्रिंट एंड बायोकैपेसिटी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। बायोकैपेसिटी के अंदर एक वर्ड आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, दैट इज अवेलेबिलिटी, जहां पे अवेलेबिलिटी आ गया वो आपकी बायोकैपेसिटी है, जहां पे नीडेड आ गया दैट विल बी योर फुटप्रिंट, राइट। नाउ इकोलॉजिकल डेफिसिट, अब बात करते हैं यहां पे इकोलॉजिकल डेफिसिट। देखो बायोकैपेसिटी इज टोटल अवेलेबिलिटी, अर्थ की जितनी अवेलेबिलिटी है, यहां पे देखो नीड, नीड क्या है हमारी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये आपकी नीड है, ठीक है। दो केस बनेंगे सेम जैसे मैंने वहां पे बनाए थे, ठीक है। अगर आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो मैंने यहां पे नीड लिखा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बायोकैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, दूसरे केस के अंदर क्या होगा, बायोकैपेसिटी से ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा, कम होगा, ठीक है। नाउ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जब आपका बायोकैपेसिटी से ज्यादा होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, नीड, नीड आपकी किससे ज्यादा होगी, बायोकैपेसिटी, दैट इज अवेलेबिलिटी। नीड जब अवेलेबिलिटी से ज्यादा होती है इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डेफिसिट। राइट नाउ यही कंडीशन चल रही है कि हमारी इकोलॉजिकल डेफिसिट हो रही है, ठीक है, ओके। इकोलॉजिकल रिजर्व, अगर ये वाला केस आ जाए, क्योंकि अर्थ बोलती है भाई तुम यूज ही नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, है ना, इतना तो अवेलेबल है, एक्सप्लॉयटेशन करो मेरी, अर्थ अगर ऐसा करे तो यहां पे क्या होगा, इकोलॉजिकल रिजर्व। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोई, जैसे मैंने बोला कि अभी ऐसा केस नहीं है ओवरऑल अर्थ का, पर क्या कोई पर्टिकुलर कंट्रीज है, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे अभी इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी इट मींस के वहां पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इतना होगा नहीं, एक्सप्लॉयटेशन होगी नहीं, डिमांड नहीं होगी, ठीक है। इन दैट सिनेरियो बायो कैपेसिटी वहां पे ज्यादा है एज कंपेयर टू इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वेर एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहां पे, जैसे चाइना, यूएस, इंडिया, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज कर रही हैं, है ना, बहुत सारी पॉपुलेशन भी है, रिसोर्सेज भी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उस केस के अंदर डेफिसिट होगा, राइट, ओके। अब देखो रैंकिंग, सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसका है, सबसे ज्यादा आपको पता है एक ही है जो एक्सप्लॉयट करता है पूरा मन से, है ना, वो है चाइना, सबसे ज्यादा चाइना, और यूएस उससे कम नहीं है, यूएस इज एट सेकंड नंबर और हमारा प्यारा भारत इज आल्सो एट थर्ड नंबर, ठीक है। पर कैपिटा के अंदर देखो हमारी भगवान की दया से इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि अगर एक एक रोटी खाओगे तब भी ऐसा लग रहा है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है। नाउ पर कैपिटा के हिसाब से, मतलब पर पर्सन, कतर इज एट नंबर वन एंड इंडिया का रैंक देखो 169। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इंडिया के टोटल को पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही पर कैपिटा कम होगा। एक रोटी दो लोगों में बांटो, एक रोटी दस लोगों में बांटो, फर्क तो है ना, ओके। सो अनदर थिंग, इकोलॉजिकल ओवरशूट डे, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये प्री के अंदर पहले भी पूछा गया है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। इकोलॉजिकल ओवरशूट क्या है, इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूं। अब आपके पास 300,000 है, ठीक है, 300,000 आपकी टोटल अवेलेबिलिटी क्या है, 500,000, मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं 500,000 से ज्यादा नहीं बेटा यूज करने,
आपको फर्स्ट जैन के अंदर ये मिल जाते हैं, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक यूज करोगे तो बिल्कुल ही हम कहेंगे बिल्कुल प्लानिंग से यूज किया आपने, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट जैन से आपको 5 लाख मिले और आपने बाय 1 अगस्त यूज कर लिया, ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपका टोटल अवेलेबिलिटी खत्म होगी ना, इसके बाद जो भी आएगा ये सारा आपका, दिस पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड ओवरशूट डे, ओवरशूट डे। ऐसे ही अर्थ की बायो कैपेसिटी है, अवेलेबिलिटी बोलती है इतनी मेरी बायो कैपेसिटी है, इतनी मेरी औकात है, मैं इतना ही दे सकती हूं, ठीक है। इसके बाद आपने वो 31 दिसंबर तक खत्म करना है, 31 दिसंबर, लेकिन हमने 2018 में 1 अगस्त तक खत्म कर दिया है, ठीक है। इट मीन्स के जितना अर्थ के पास अवेलेबिलिटी थी वो कर दी, उसके बाद क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन, तो अर्थ स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सो इट इज अ मार्क, इट मार्क्स द डेट व्हेन द ह्यूमैनिटी इज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट, कि जितना अर्थ रीजनरेट कर पा रही है उसको हम एक्सीड कर जाते हैं। ये देखो पीपीटी के अंदर मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है, वो देखो 1 अगस्त, 1 अगस्त के अंदर हमारा 2018 के अंदर हुआ था। अब आप इससे पिछले वाले में देखो, इससे पहले आप देखोगे कोई 1 अक्टूबर में भी था, 1 नवंबर, 1 दिसंबर के अंदर भी था, ठीक है। तो हमने पहले दिसंबर में भी खत्म करते रहे हैं, उसके बाद पीछे पीछे जा रहे हैं 1 अगस्त, और एक्सप्लॉयटेशन होगी तो ये अगस्त की जगह जून, मई, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर आता जाएगा, क्योंकि हम 4-5 महीने में खत्म कर देते हैं जितना मिलता है, ठीक है। सो अनदर थिंग इज कि एक आपको और यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन रिलीज करता है ओवरशूट डे, कौन काउंट करता है, दैट इज ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए आज के लिए बहुत है आई थिंक, तो मैंने पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर दिया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से लेके सारा बायोकैपेसिटी, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी एंड प्रीलिम परस्पेक्टिव एज वेल, तो आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, याद रखना, अवेलेबिलिटी यहां पे आएगा दैट विल बी अ बायोकैपेसिटी, वेयर इज नीड यहां पे आएगा दैट विल बी अ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और भी हमने बहुत सारी सीरीज बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेंगे, वहां पे देखो इकोनॉमी, हिस्ट्री और बहुत सारे ज्योग्राफी के अंदर आइलैंड, ठीक है, ये सारी हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक है, उसको देखो और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, एंड पीसीएस के लिए करना है उसके लिए करो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।